बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने व यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए यातायात पुलिस कई प्रयास कर रही है। इन्हीं प्रयासों के तहत पुलिस और यातायात पुलिस ने एक अभियान की शुरुआत की, जहां यातायात नियमों का पालन न करने वाले लोगों से चालानी कार्यवाही की गई। यातायात व्यवस्था के लिए चलाया जा रहा यह अभियान 15 दिनों तक शहर के प्रमुख चौराहों पर लगाया जाएगा, जहां हेलमेट न लगाने वाले, ट्रिपल राइडिंग, सीट बेल्ट का प्रयोग न करना और गाड़ी के कागजात न होने वालों के खिलाफ चालानी कार्यवाही की गई है। वहीं लोगों से आग्रह किया गया है कि वे सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए यातायात के नियमों का पालन करें। शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही शहर में बहुत सारी गाड़ियों के नंबर प्लेट वगैरह और सीट बेल्ट वगैरह नहीं लगा रहे हैं, तो इसी कड़ी को लेकर हमारे यहाँ पर 15 दिन का मुहिम चल रहा है। पूरे ज़िले के अंदर ट्रैफिक पुलिस विभिन्न चरणों में कार्रवाई कर रही है, कभी नंबर प्लेट की, कभी तीन सवारी की, कभी हेलमेट की, कभी सीट बेल्ट की, इस तरह के विभिन्न इसमें हमारा कार्रवाई चलती रहेगी। आज यहाँ पर और रानीताल में और दमोह नाका पे हमारी टीम द्वारा ये नंबर प्लेट की चेकिंग कार्रवाई कर रही है, और इसके बाद में सीट बेल्ट और ट्रिपल राइडिंग हेलमेट विभिन्न इसकी कार्रवाई चलते रहेगी। अगले 15 दिन तक ये कार्रवाई करते रहेंगे। इसलिए हम आम जनता से अपील करते हैं कि जो भी वाहन चला रहे हैं, कृपया अपने गाड़ी के पेपर रखें और सीट बेल्ट लगाएँ, हेलमेट लगाएं, ट्रिपल राइडिंग ना करें, नंबर प्लेट दुरुस्त रखें और यातायात नियमों का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया।